यहाँ पे गोरखधाम एक्सप्रेस आ चुकी है 12556। चल भाई चल। ओ भाई जैसे कि गाइस गेट बंद किए जा रहा है, देख सकते हो आप। सो ट्रेन चल चुके हैं फिर भी लोग चढ़ी जा रहे हैं, देख सकते हो आप गाइस। ट्रेन चल चुके फिर भी लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हो। तो गाइस भागते हो गाइस। तो दोस्तों हमको सीट नहीं मिली, तो गाइस हम एसी में घुस चुके हैं, देख सकते हो। और ये हमारा कानपुर सेंट्रल में स्वागत है आपका। लगा हुआ है यहाँ से देखने के बाद में अपना रोल नंबर नोट। तो गाइस फाइनली पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। दोस्तों हम जा रहे हैं कानपुर सेंट्रल अपना एग्जाम देने के लिए, एपी पुलिस का। तो गाइस सर भाई मिले, भाई आपका नाम क्या? ऋषभ गुप्ता भाई। और भाई आपका? लकी। तो भाई आप फर्स्ट बार कभी जा रहे हैं कि सेकंड बार जा रहे हैं? पर फर्स्ट बार। हां तो भाई पांच छठी बार जा रहा हूं। छठी बार, क्या बात है भाई। आपको एक्सपीरियंस होगा, पापा कह देते ना। ठीक है तो भाई के साथ रहेगा हमारा पेपर तक। ठीक है और आपको दिखाता हूँ भीड़ कितनी यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो दोस्तों गाइस उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। तो गाइस हमारे पास तीन ट्रेन है, एक तो गाइस 12556 है और गाइस एक तो गोमती एक्सप्रेस और एक प्रयागराज एक्सप्रेस है। तो गाइस जिसमें कम भीड़ होगी उसमें हम बैठेंगे और गाइस जाएंगे अपने सेंटर कानपुर की और कहाँ। तो गाइस जैसे तो भीड़ कितनी बढ़ चुकी है अभी। तो गाइस अभी बच्चे आ ही रहे हैं और गाइस तीन ट्रेनें हैं और गाइस तीनों में कहीं भीड़ दबा के होने वाली है। तो गाइस हमको जिसमें मौका मिले घुसने का उस ट्रेन में घुसेंगे हम। अब जैसे तो गाइस पूरा प्लेटफॉर्म भर चुका है और 6 और 7 जैसे तो गाइस दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं हम। आप देख सकते हो यहाँ पर व्यू गाइस, यहाँ पर ज़्यादातर गाइस यहाँ पर करीब 80% के स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि पेपर देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का। तो गाइस फाइनली गोरखधाम ट्रेन आ चुकी है 12556 और गाइस भीड़ बढ़ चुकी है, देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ हो चुकी है। और गाइस स्टूडेंट चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे गोरखधाम एक्सप्रेस आ चुकी है 12556, देख सकते हो भीड़ कितनी है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे स्टूडेंट लगे पड़े चढ़ने के लिए, देख भीड़ देख सकते हो आप। भीड़ बहुत ही हालत खराब हो चुकी है हमारी, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ देख सकते हो आप यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन आ चुकी है गोरखधाम एक्सप्रेस 12556। यहाँ पे गाइस भीड़ बहुत ही ज़्यादा लग चुकी है, देख सकते हो आप। गाइस पैर रखने की जगह नहीं है गाइस, ये देख सकते हो। हॉल कैसे हैं यहाँ पे, हॉल कैसे है? चल भाई चल, चल भाई चल भाई। गाइस भीड़ देख सकते हो, भीड़ कितनी यहाँ पे। तो गाइस भीड़ भीड़ देखो भीड़ भाई, चढ़ जा भाई, चढ़ जा भाई, चढ़ जा। गाइस इसके बाद दो ट्रेन और भी यहाँ पे, प्रयागराज एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उसमें भी आप चढ़ सकते हो। जैसे होता कितनी भीड़ है यहाँ पे भाई। आप भाई आप कहाँ जा रहे हो भाई? पेपर देने। भीड़ कितनी हो गया, छत छत पे उड़ के, क्या बात। तो गाइस देख सकते हो भीड़ कितनी है यहाँ पे, गोरखधाम एक्सप्रेस 12556 देख सकते हो हालात लोगों के। तो गाइस ऐसे भीड़ में कैसे चढ़ेंगे हम ट्रेन में। गाइस इसके बाद दो ट्रेन और भी हैं, एक तो प्रयागराज एक्सप्रेस और दूसरी। गाइस यहाँ पे गेट बंद किया, गाइस यहाँ पे गेट बंद किया जा रहा है, देख सकते हो गाइस कैसे। भाई चलने दो भाई, यहाँ भीड़ बन रही है। और भाई जैसे कि गाइस गेट बंद किया जा रहा है, देख सकते हो आप। ये गाइस सारे सामने अत्याचार हो रहा है लोगों पे, भीड़ में गाइस लोगों गेट बंद किया जा रहा है, देख सकते हो। देख सकते हो लोग गाइस, अगर जनरेटर में सीटी नहीं तो गाइस एसी में लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हो। एसी के हाथ कुछ ऐसी है, एसी की बोगी हाथ, देख सकते हो आप। तो गाइस भीड़ इतनी है कि गाइस लोगों को एसी में चढ़ना पड़ रहा है। क्राउड गाइस बहुत ही ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे और लोग एसी में भी चढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो आप। अंकल आपको भीड़ की हुई थी आपको यहाँ पे? स्टूडेंट यहाँ पे जो की गाइस पेपर देके जा रहे हैं कानपुर सेंटर प्रयागराज, जहाँ जहाँ उनका सेंटर बना, ठीक है। इसलिए कहीं यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूंगा, वीडियो बने चैनल सब्सक्राइब करें। ट्रेन चल चुके हैं फिर भी लोग चढ़ी जा रहे हैं, देख सकते हो आप गाइस। ट्रेन चल चुके फिर भी लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हो गाइस। जान रिक्शा ले रहे हैं लोग, देख सकते हो गाइस कैसे चढ़ रहे हैं। अब भाई ना चढ़ो भाई, और रिक्शी का हमें भाई रिक्शी का। तो गाइस लोग जान के रिक्शा ले रहे हैं, जैसे तो चढ़ने चढ़ने के लिए यहाँ पे गाइस ट्रेन बहुत भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सो एसी डब्बे में गाइस फुल हो चुके हैं, एसी डब्बे में गाइस लोग चढ़ने के लिए अफर तफरी कर रहे हैं, देख सकते हो आप। तो गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पे।
यहाँ पे भीड़ को रोकना ना ही मुमकिन है। जैसे तो गाइस कैसे लोग चढ़ रहे हैं एक दूसरे पर चढ़ के, एक दूसरे पर चढ़ के लोग अंदर जा रहे हैं। जैसे गाइस और गाइस ये एसी डब्बे हैं, गाइस जनरल डब्बे इससे भी बुरे हाल है। दूसरों का कैसे चिना रहे हैं लोग। तो दोस्तों गाइस फाइनली ट्रेन चल चुके हैं। जैसे तो गाइस और भीड़ भी कम हो चुकी है अब, क्योंकि गाइस बहुत से लोग गाइस एसी में चढ़ चुके हैं और गाइस बहुत से लोग गाइस जनरल में चढ़ चुके हैं, बहुत से लोग गाइस स्लीपर में भी चढ़ चुके हैं। आप देख सकते हो गाइस फिर भी गाइस भीड़ बहुत ज्यादा, गेट तक लोग चढ़े हैं, गेट तक लोग चढ़े हुए देख सकते हो आप, गेट भी लोग चढ़े हुए हैं। तो दोस्तों गाइस हमने गाइस उम्मीद छोड़ दी इस ट्रेन चढ़ने के लिए, इसके चढ़े नहीं हम, बाकी दो ट्रेन है उसमें हम चढ़ेंगे, ठीक है, उसमें चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरी सरकार से यही विनती है कि एग्जाम के टाइम कहीं स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए, स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए ताकि कहीं आम आदमी को और स्टूडेंट को दोनों को दिक्कत ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और हम लोग गेट पर अटक के जा रहे हैं जैसे तो आप, तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना आए इसके लिए कहीं सरकार को कुछ करना चाहिए और स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए और भी एग्जाम के टाइम। तो कहीं फाइनली आ चुकी है उस वक्त हम एक्सप्रेस 12802। तो दोस्तों हमको सीट नहीं मिली तो कहीं हम एसी में घुस चुके हैं जा सकते हो, अब वही एसी डब्बे से जनरल डब्बे में जा रहे हैं। तो गाइस भागते हो गए जैसे तो सीट के लिए यहाँ पे गई जैसे तो भाग, गाइस ट्रेन कभी भी चल सकती है जैसे तो भाग भाग। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5:12 और गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं कानपुर सेंटर में। आप देख सकते हैं पीछे 5:13 हो गए। तो गाइस यहां से मैं जाएंगे बाहर नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आप सेंटर की ओर। तो गाइस मेरे भाई, मेरे सर भाई लोग हैं, इनसे पूछते हैं सफर कैसा रहा। तो भाई आपको सफर कैसा रहा आप बताओ थोड़ा। सफर ऐसे गार्ड फटे तो फटी पर नवाब फटी। भाई सफर कैसा रहा आपका, सफर बताइए। बहुत बढ़िया रहा भाई, सीट मिली नहीं मिली ना मिली भैया, कभी धरती में बैठ के आए। बिल्कुल धरती में बैठ के आए, बोगी की धरती में बैठ के आए, बिल्कुल दिल्ली से बैठ चुके। तो गाइस भीड़ बहुत थी, हमने देखा कि तो गाइस हमने विकलांग वाले डब्बे में बैठ के आए सारे, पर गाइस मेरी पैंट भी गिल्ली होगी पीछे से, नीचे बैठ के आए ना इसलिए। भाई आप, आपको कैसा लगा सर यहाँ पे बैठ के? भाई तो डायलॉग कैसा लगा, भी डायलॉग मारा है, डायलॉग अच्छा लगा। तो दोस्तों फाइनली गाइस दोस्तों गाइस कानपुर मेन स्टेशन गए, जो हमने वहाँ से बाहर निकलना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और वहाँ से गाइस बाहर कर जाएंगे नाश्ता से करके निकलेंगे सेंटर की ओर अपने। देख सकते हो गाइस ये ट्रेन हमारी आ चुकी है 12802 नंबर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और ये हमारा कानपुर सेंट्रल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों फाइनली स्टेशन से बाहर आ चुके हैं हम यहाँ पे। दोस्तों गाइस भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो कितने लोग यहाँ पे आए हैं, बच्चे स्टूडेंट। तो दोस्तों फाइनली गाइस गाइस सेंटर से कुछ दूरी पे हम गाइस सेंटर पे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो गाइस हमें दो बार टेम्पो चेंज किया हमने, एक तो गाइस स्टेशन से सीटीआई से, और एक तो स्टेशन सीटीआई से यहाँ पे आ गए, ठीक है। और गई यहाँ से भी गई 200 मीटर है जो हम पैदल चल के जा रहे हैं, और ये हाईवे से हाईवे को पार कर सकते हो आप। तो दोस्तों फाइनली गई पहुँच चुके हैं ठाकुर भीष्म वर्षी इंटर कॉलेज गई अपने कानपुर सेंटर में। तो गई जैसे कि देखा कि न्यू दुनिया स्टेशन में भीड़ थी और गई कानपुर स्टेशन में भीड़ थी, बट गई यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कई कॉलेज और सेंटर्स बहुत सारे हैं, तो इनको डिवाइड कर दिया है बच्चों में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। कहीं शायद ना अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए कहीं मैं बाहर का भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, देख लीजिए। तो कहीं यहाँ पे ना कहीं लिस्ट लगी हुई है कि कौन सा रूम बता, कौन सा बता, कौन सा रूम में बैठेगा। तो दोस्तों दोस्तों तो कहीं यही सेंटर है हमारा और कहीं कॉलेज है तो ठाकुर भीष्म वर्षी कॉलेज, ठीक है। तो कहीं मैंने दिखा रखा आपको पहले, तो यहाँ पे बच्चे कहीं ज़्यादा नहीं है, भीड़ कम है क्योंकि आपको पता है कि सेंटर्स बहुत सारे हैं, हम डिवाइड कर देंगे बच्चों को, देख सकते हो आप। और कहीं यहाँ पे 8 बजे से रिपोर्ट, तो कहीं यहाँ पे 8 बजे से रिपोर्टिंग है, तो 8 बजे एंट्री करेंगे हम, और यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है देख सकते हो आप, लिस्ट में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि पेपर गाइज ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे होते हैं, बट गाइज यहाँ पे गाइज ओ एम आर मतलब गाइज होता है कि आप गाइज आपको आंसर दिया होगा उस पर गाइज गोले लगाने हैं पेंसिल से या पेन से गोले लगाने हैं, इस पर कहीं कंप्यूटर सिस्टम नहीं, ठीक है, तो उसे कहते हैं OMR, ठीक है। तो गाइज फाइनली पहुँच चुके हैं, ठीक है गाइज, यहाँ से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, और 8 बजे से 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, और 10 से गाइज 12:30 बजे तक 12 बजे तक हमारा पेपर हुआ,
ठीक है, तो उसके बाद ही आपको मिल पाऊंगा। ठीक है, अब कुछ देर का अभी टाइम हो रहा है जी, वेट अ मिनट। तो गाइस अभी ना गाइस 7:15 हो रहे हैं, तो गाइस हमारा गाइस 45 मिनट या 44 मिनट बाद एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस हम एंट्री करने के अंदर, तो गाइस फोन अंदर, आपको पता है गाइस कि फोन अलाउड नहीं होता, तो गाइस जो फोन तो जेब में रखेंगे तो आपको 12 बजे में नहीं पेपर के बाद। ठीक है, तो बोलो जय श्री राम, सबके कल्याण हुए। ठीक है, तो गाइस बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू माई फैमिली, और जो पेपर देने जा रहे कानपुर में दे रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कुछ देर बाद। लगा हुआ है, यहाँ से देखने के बाद में अपना रोल नंबर नोट कर लीजिए और अपना जो कक्ष है उसको देख लीजिए, जो भी प्रतिबंधित सामग्री है वो आप यहाँ पर देख लें, ये अंदर नहीं जानी। A few hours later. तो दोस्तों फाइनली गाइस पेपर हमारा हो चुका है फाइनली। तो गाइस पेपर गाइस आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो गाइस अच्छा हुआ, बहुत ही बेस्ट हुआ। और गाइस जब सेकंड शिफ्ट के पेपर होंगे तो गाइस भीड़ बहुत ही लग चुकी है यहाँ पे स्टूडेंट की। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलते हैं आप स्टेशन की ओर, तो होगा तो घर जाएंगे, तो गाइस चलेंगे घूमने के लिए। ठीक है, तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन सीट मेरे हाथों में, ठीक है, चुका। तो गाइस ये देख सकते हो, क्वेश्चन सीट दे सकते हो आप। ये गाइस क्वेश्चन सीट, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, दे सकते हो गाइस, कुल 4-5 पेज गए। गाइस प्रथम श्रेणी की परीक्षा हो चुकी है, गाइस सेकंड श्रेणी की परीक्षा होने स्टार्ट होगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों ये है कानपुर सेंटर का हॉल, देखो तो गाइस कितने स्टूडेंट हैं, कितनी भीड़ लगी हुई यहाँ पे। तो गाइस फाइनली गाइस कुछ घंटे वेट करने के बाद गाइस फाइनली मैं बैठता हूँ ट्रेन के अंदर। तो गाइस ये ट्रेन है जो कि आनंद विहार तक जाएगी, तो इसमें गाइस फाइनल सीट मिल जाती है। और गाइस जब हम फाइनल कुछ घंटे बाद उतर जाते हैं आनंद विहार स्टेशन, तो गाइस थैंक यू सब्सक्राइब एक्सिट्यूट। जय हिंद, जय भारत।